इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेस करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है मुझे बताइए, तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला, और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20000 करोड़ के हैं, तो 14000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे, मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है उनके 300 हो तो क्या हो? एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9000 करोड़। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? इस मैं दावे से कहता हूं, जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपके आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक परेश छो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का, कोई नहीं आएगा मेरे अलावा।